खुदा का नाम एक हैदर है, क्या है? हैदर सुने होंगे, हैदर। और ये नाम हैदर ऐसा है कि बुजदिल भी अगर हैदर कह दे तो उसके जिस्म में कुव्वत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है। बात आसिले कलाम की तरफ ले जाओ, क्योंकि आपको प्यासा रखना मेरा मकसद नहीं है। बाबा फरीद फरमाते हैं फवाद में कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बैठे हुए थे, साथ में सहाबाए कराम मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हजरत दाऊद अलैहि सलाम का मौजूदा सहाबा को बता रहे थे कि हजरत दाऊद तुम्हें को पकड़ते तो मुंह हो जाता। सहाबा को बता रहे हैं और रिवायत बाबा फरीद कर रहे थे किताब, हजरत दाऊद अलैहि सलाम लोहे को पकड़ते तो मुंह हो जाता, क्या होगा? मुंह हो जाता। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह इतना बड़ा मौजूदा, लोहे को पकड़े तो मुंह हो जाना। अल्लाह के नबी ने मुस्कुराया कि क्या फरमाया जानते हो? दाऊद जब लोहे को पकड़ते तो क्या कहते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दाऊद जब सुभान अल्लाह तो क्या कहते? अगर बात समझ में न आई, अगर बात समझ में नहीं आई तो फतवा हजरत बाबा फरीद को दे देना जाए जी, क्योंकि मैं उस फरीद का कौल बयान कर रहा हूँ कि जिनकी जूतियां बड़े बड़ों के सरों के ऊपर ताज की तरह सजी हुई है। बाबा फरीद के नाम से बड़ा भी नाम कोई होगा? फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा जय मेरे साहबा जानते हो कि दाऊद लोहे को पकड़ते वक्त क्या कहते? या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आपका रब बेहतर जानता है। मेरे आका मुस्कुराए, बाजू में मौला अली के रेबुला बैठे हुए थे, अली के कंधे पर नबी ने हाथ मारा और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबा जब दाऊद लोहे को पकड़कर मुंह बना